ना धेला ना दमड़ी ना कौड़ी रे मोटू और पतलू की जोड़ी ना धेला ना दमड़ी ना कौड़ी रे मोटू और पतलू की जोड़ी 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 हमारी ट्रेनिंग शुरू करेंगे सब तैयार है विक्की कहाँ है अभी तक नहीं आया जब देखो तब वो लेट आता है आज मैं उसे ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि वो कभी भी लेट नहीं होगा वरना अच्छा नहीं होगा सॉरी मास्टर पैर फिसल गया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया पैर फिसल नहीं गया था तुमने ये जानबूझ के किया था और ये हरकत तुम पहले भी कर चुके हो लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि मोटू पतलू तुम्हें हिम नरेश ने बुलाया है अभी फौरन कुछ अर्जेंट है ओके मास्टर अभी तो तुम बच गई लेकिन पनिशमेंट तो मिल के रहेगी वापस आके देखता हूँ तुम्हें एक बार फिर से सॉरी मास्टर गुड मॉर्निंग मास्टर हिम नरेश आओ मोटू पतलू आओ मुझे तुम दोनों से एक जरूरी काम है वादा करो कि तुम मना नहीं करोगे आप हुकुम कीजिए आपके लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं हाँ मास्टर आप बस बोल के तो देखिए दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो हम आपके लिए नहीं कर सकते हैं मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी जोम-जोम के राजा भानु प्रताप का कहीं कुछ पता नहीं वो कुछ दिनों से गायब है अगर एक हफ्ते तक उनका पुत्र कुंवर विक्रम प्रताप राजमहल नहीं पहुँचा तो उसके चाचा अकुमा को राजगद्दी पे बैठा दिया जाएगा तो इसमें हम क्या कर सकते हैं आप बोलिए तो सही विक्रम प्रताप को राजमहल तक पहुंचाना है तो पहुंचा देंगे अभी फ्लाइट टिकट बुक कर लेते हैं फ्लाइट ट्रेन या बाय रोड नहीं जाना है क्योंकि अकुमा नहीं चाहता कि कुंवर विक्रम वहां आए क्योंकि वो खुद का राज्याभिषेक करके खुद ही जोम-जोम का राजा बनना चाहता है इसलिए उसने रास्ते में लोग तैनात कर रखे होंगे विक्रम प्रताप की जान को खतरा है उसे अंदर इंटीरियर के ऐसे रास्ते से ले जाना है जहाँ कोई सोच भी ना सके मैं तुम तीनों को बाय रोड शहर की सीमा के आगे रेगिस्तान तक छोड़ने का प्रबंध करता हूँ उसके आगे का रास्ता मैं बताऊंगा लेकिन वो रास्ता खतरनाक है मास्टर आप चिंता ना करें हमने कहा था ना कि आपके लिए हम जान भी दे सकते हैं विक्रम प्रताप कहाँ है उन्हें कहाँ से लेना है वो यही है बिना किसी को बताए यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि उनकी जान को खतरा ना हो कुंवर विक्रम प्रताप कमिंग प्लीज मास्टर ये राजकुमार नहीं हो सकता इसे देखो गौर से इसे देखो किसी भी एंगल से ये राजकुमार नहीं लगता और इसकी हरकतें तो देखो राजकुमार जैसी है ही नहीं मास्टर मोटू आप मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं मैं तो सिर्फ 10 साल का छोटा सा बच्चा हूँ 10 साल जमीन के ऊपर हो तो 100 साल जमीन के नीचे
मोटू तुमने वादा किया है कि तुम मेरी बात मानोगे। मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। ये तुम्हारे साथ ही सेफ रहेगा। वो तो ठीक है, पर प्रॉब्लम ये है कि हम इसके साथ कितना सेफ हैं। खैर कोई बात नहीं मास्टर हिम नरेश, हम आपका आदेश जरूर मानेंगे, इसे सुरक्षित राजमहल तक पहुँचा देंगे। बहुत अच्छा, सफर की तैयारी शुरू करो। मैं तुम्हें वहाँ ले जाने का नक्शा देता हूँ। कुमार विक्रम प्रताप, तुम इनको ज्यादा परेशान मत करना, ओके? जी मास्टर। मास्टर मोटू, आज से हम दोस्त हैं, ठीक है? ये हाथ पे क्या है? देखा मास्टर हिम नरेश, ये ऐसे ही सारे रास्ते हमें तंग करेगा। मास्टर पतलू, मास्टर हिम नरेश ने कहा था कि ज्यादा परेशान नहीं करना, लेकिन थोड़ा बहुत तो परेशान कर सकता हूँ ना, वरना सफर का मजा नहीं आएगा। मास्टर मोटू, आप एक मकड़ी से डर गए तो अकुमा को कैसे हराओगे? वो तो बहुत खतरनाक इंसान है। देवराज सेनापति, तुम लोगों को कैसे पता चला कि अकुमा ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है? महाराज, मैं 30 साल से इस राजमहल में हूँ। मुझे मालूम था कि कहाँ कहाँ आपको छिपा कर रखा जा सकता है। महाराज, हमारी ज्यादातर सेना और मंत्री डर के मारे अकुमा का साथ दे रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके आजाद होते ही सब आपका साथ देंगे। इतनी जल्दी क्या है? कुछ देर रुको तो सही। वफादारी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर मेरे साथ की होती। इन्हें छोड़ दो, क्यों कर रहे हो ऐसा? तुमने मेरे साथ गद्दारी की है। गद्दारी मेरी इजाजत के बिना चोरी से महाराज को आजाद कराने आए हो, इसकी सजा तो मिलेगी। गद्दारी तो तुमने की है अकुमा, तुम दूर के रिश्तेदार थे, मेरे पिताजी ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया और तुम्हें सब कुछ दिया। सब कुछ नहीं दिया, मुझे राज सिंहासन नहीं दिया, मुझे उस जगह का पता नहीं बताया जहाँ तमाम जादुई शक्तियाँ छुपी हैं, जिनकी तुम लोग रक्षा करते हो लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि वो समझ गए थे कि तुम इस लायक नहीं हो। तुमने धोखे से मुझे सच बोलने वाली दवा पिला के ये राज उगलवा लिया कि वो जादुई शक्तियाँ कहाँ छिपी हैं, और मुझे कैद करके वो सब शक्तियाँ जाके हासिल कर ली। सब नहीं, एक बाकी है। एक शक्ति जो तुम्हारे कुंवर विक्रम प्रताप में है। किसी भी जख्म को ठीक करने की शक्ति। आदमी कितना भी जख्मी क्यों ना हो, कुंवर विक्रम प्रताप उसमें हाथ रख के उसे ठीक कर सकते हैं। मुझे वो शक्ति भी चाहिए, बस एक बार कुंवर मिल जाए। वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। तुम्हारा प्रिंस भी आ रहा है, अब मैं उसकी शक्ति भी छीन लूंगा, फिर मैं अजय हो जाऊंगा। अजय, मैं दुनिया पे राज करूंगा। अच्छा महाराज, हम चलते हैं। कुंवर विक्रम प्रताप के स्वागत की तैयारी जो करनी है। जब तक जिंदगी है मजे करो, बाद में मत कहना मैंने मौका नहीं दिया। नहीं नहीं, उसको छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए ले लो,
लेकिन उसको छोड़ दो। पतलू, क्यों ना हम विकी को बांध के ले जाए, रास्ता बहुत आराम से कट जाएगा। मोटो मत भूलो, वो एक राजकुमार है, प्रिंस है, प्रिंस। आज से तुम उसके साथ इज्जत से पेश आओगे और कुंवर विक्रम प्रताप बोलोगे। मेरी किस्मत, जिसको फटके लगाने का मन करता है उसे कुंवर बोल के इज्जत देनी पड़ेगी। चलो, वो बाहर हमारा वेट कर रहा होगा। चलो चलकर देखते हैं कि वो कर क्या रहा है। मोटू, इससे हमारे होने वाले सफर में मजा बहुत आएगा। अरे नहीं रे, मम्मी पापा, अरे ये उसका ही काम है, छोड़ूंगा नहीं। पापा, नहीं, शैतान उसका ही काम है, छोड़ूंगा नहीं। अरे गुस्सा मत, गुस्सा मत करो। दरअसल मेरे मार्बल्स कहीं खो गए हैं, आपने उन्हें कहीं देखा क्या? देखे भी हैं, महसूस भी किया है और उन पे सवारी करके ही यहाँ आ रहे हैं। तुमने अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो? मास्टर मोटू, आप मेरे मास्टर हैं, आपको इज्जत देना मेरा फर्ज है। लेकिन भूलिए मत, मैं भी एक प्रिंस हूँ और मुझे भी इज्जत मिलनी चाहिए। कुंवर साहब, आपको इज्जत मिलेगी, आप चिंता मत कीजिए। चलिए जीप में बैठिए। जी मास्टर, आप मेरे मास्टर हैं, पहले आप बैठिए। पहले बदमाशी करता है, फिर अच्छा बनने की कोशिश करता है। फिर से बदमाशी, कुंवर विक्रम प्रताप। क्या हुआ मास्टर, आप इतने जोर से चिल्लाए क्यों? तुमने ही किया है सब। नहीं मोटू, नहीं, तुम उसे मार नहीं सकते, वो प्रिंस है। कंट्रोल कंट्रोल मोटू। पतलू, इससे कह दो कि हमारे साथ चलना है तो ये सब नहीं चलेगा, इसे बदलना होगा। मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ, कैसे बदलते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप तो मास्टर हैं, आप सब जानते हैं, आप ही खुद को बदल लीजिए ना। विकी, तुम मुझे शांति से सोने भी नहीं दोगे। जीप की हालत देख के नहीं लगता कि जीप आगे जा सकती है, ऊंट से जाना होगा। खुशामदीद, मास्टर हिम नरेश ने फोन पर बताई थी आपको दो ऊंट चाहिए, मैं लेकर आई। अरे एक ऊंट ही काफी है, ये बच्चा हम दोनों के बीच में बैठ के चलेगा तो सेफ रहेगा। बच्चा किसे कह रहे हैं मास्टर मोटू? हमारे यहाँ प्रिंस को कुंवर साहब बोलते हैं। क्यों दोस्त, अब हम चले? विकी संभाल के। अरे विकी, नहीं पतलू, वो गिर जाएगा, जल्दी चलो रे। मत बोलो, कुंवर है। आप लोग क्यों घसीट के पीछा करती, इस ऊंट पे बैठती तो कुछ नहीं घसीटती। चलो पीछा करो। कुंवर साहब रुक जाओ, रुको, हम साथ साथ चलेंगे। रुकते हो या तू तो चार घुमा के? एक प्रिंस से इस तरह बात नहीं करते, बैड मैनर्स। मैं कैमल रेस में चैंपियन हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है। कुंवर साहब, मेरी बात सुनिए, नहीं
किसी के लायक हो। प्रिंस होंगे अपने घर में, यहाँ मेरे स्टूडेंट हो। तुम्हें सुरक्षित पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है। सड़क छाप लड़कों की तरह बिहेव करते हो। कल राजपाट तुम्हारा होगा। इस तरह बिहेव करोगे, प्रिंस को प्रिंस की तरह ही बिहेव करना चाहिए। मोटू बस करो, गुस्सा कंट्रोल करो मोटू, कंट्रोल। वो प्रिंस है। ठीक है। अरे क्या है? मोटू ये तो टर्न है। मैं कब से तुम्हारी राह में पलके बिछाए बैठा हूँ। बैठे नहीं हो, खड़े हो। एक ही बात है, मतलब तो स्वागत करने से है। कौन हो तुम, क्या चाहिए? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, जानने की जरूरत नहीं। कुंवर विक्रम प्रताप को मेरे हवाले करके तुम लोग लौट जाओ। वो हम तुम्हारे हवाले हरगिज नहीं करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जिंदगी है मजे कर लो, बाद में मत कहना मैंने मौका नहीं दिया। आखिरी बार बोल रहा हूँ, लौट जाओ। हम भी तुम्हें आखिरी बार ही बोल रहे हैं, लौट जाओ। हमसे टकरा सके ये जमाने में तुम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? चलो बता ही देता हूँ। ये मेरे पिताजी का चचेरा भाई अकुमा है। इसी से बचने के लिए हम सीक्रेट रास्ते से जा रहे थे, लेकिन इसे किसी ने खबर कर दी। उसे हम देखते हैं। काटेंगे तो उसके दांत तुम्हारे अंदर और तुम्हारा दम बाहर। मैंने कहा था कि जब तक जिंदगी है मजे कर लो, बाद में मत कहना मैंने मौका नहीं दिया। लेकिन तुम लोग नहीं माने। मास्टर ये क्या कर रहा है? कोई तो मैजिक कर रहा है। हमसे टकरा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। <laughs>
अब हम इससे कैसे लड़े? मोटो ऊपर देखो, ईगल! इससे तो हमें ईगल स्टाइल में लड़ना होगा। ये क्या कर रहा है? नीचे ऊंट कहाँ है पतलू? वो तो पीछे ही रह गए। मोटू ये कहावत है। हाँ, लगता है वो भाग गया। मैं भागता नहीं, भगाता हूँ। प्रताप, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। तुम्हारे अंदर लोगों के बड़े से बड़े जख्म ठीक करने की शक्ति है। मैं बस वो तुमसे छीन रहा हूँ, फिर तुम्हें छोड़ दूंगा। थैंक यू पतलू सर। चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। हाँ, वो देखो कैमल। ओहो पतलू भाई, रेगिस्तान में सफर करने का मजा कुछ और ही होता है। थोड़ी मुश्किल तो है। हाँ मोटू। ओहो क्या नजारा है रे। मास्टर मोटू पतलू आ जाइए। रुक जाओ कुमार प्रताप। स्वागत के लिए तैयार हूँ। मास्टर मोटू पतलू, वो मेरा इंतजार कर रहा है। कुंवर प्रताप, और अपनी मर्जी की करो, किसी की भी बात नहीं सुनते। मोटू को सा कंट्रोल कंट्रोल। चलो एक साथ मिलके रोल होते हैं। कुंवर
और साथ वेलकम बैक, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या मैं आपके आइस स्केट्स ले लूं? हाँ हाँ, मैं महल में ही जा रहा हूँ। थैंक यू मास्टर मोटू पतलू, आ जाइए, अब कोई खतरा नहीं, महल आ गया है। हम कुंवर प्रताप को लेकर आए हैं, क्या आपकी स्नो बाइक ले ले? जी ले लीजिए, हमारा सब उन्हीं का है। ये महल कहाँ है? वो देखिए पहाड़ी, पहाड़ उधर कोई स्नो नहीं है, नो बर्फ। थैंक यू। गया ये लड़का, एक बार मिल जाए तो ऐसा धोऊंगा उसे कि उसकी सात पुस्तों को नहाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मोटू कंट्रोल कंट्रोल, वो कुंवर है। अरे ये स्नोमैन की बैग हमारी तरफ कैसे हो गई? जब हम आ रहे थे तब भी बैग थी और अब भी बैग है, ये घूम गया क्या? वही है, चलो चलो पत्थर चलो। कुंवर विक्रम प्रताप, तुमसे मैं बाद में निपटूंगा, पहले इन दोनों से निपट लो। नहीं, मैंने कहा था जब तक जिंदगी है मजे कर लो, बाद में मत कहना मैंने मौका नहीं दिया। चलो चलो चलते हैं। जब तक जिंदगी है मजे ले लो, बाद में मत कहना मैंने मौका नहीं दिया था। आप मुझे बार बार बचा लेते हैं और मैं आपको बार बार परेशानी में डाल देता हूँ। प्रिंस, आप एक राजकुमार हो, आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। थोड़ी बहुत मस्ती तो ठीक है, लेकिन अगर मुश्किल सामने हो तो दिमाग का इस्तेमाल करके सूझबूझ से काम लेना चाहिए। जी मास्टर, मैं ध्यान रखूँगा। चल रहा है? अरे, महाराज को कहाँ छिपाया होगा? मुझे क्या पता? हाँ? युवराज आ गए। हमारे कुंवर साहब आ गए। कुंवर साहब आ गए। कुंवर विक्रम प्रताप जी की जय। 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 कुंवर साहब आप आ गए, अच्छा हुआ अकुमा ने महाराज को पता नहीं कहाँ बंदी बना के रखा है। बैठिए कुंवर साहब।
अब ये राज सिंहासन आपका है, हम जल्द ही आपका राज्य अभिषेक कर देंगे। मंत्री जी, राज्य अभिषेक के लिए समय भी हम तय, दिन भी हम तय करेंगे, और कौन सिंहासन पर बैठेगा वो भी हम तय करेंगे। महाराज को लाओ। छोड़ूंगा नहीं तुझे। पिताजी, पिताजी। जल्दी क्या है कुंवर विक्रम, बाप बेटे का मिलन होगा, जरूर होगा, लेकिन तुम्हारे हीलिंग पावर्स की शक्ति लेने के बाद। मोटू पतलू के होते हुए तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकोगे। तुम यहाँ भी क्यों अपनी टांग बार बार रहे हो? तुम दोनों को देखकर एक कहावत याद आती है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे ना ये राज्य तुम्हारा, ना ये सिंहासन तुम्हारा, ना ये लोग तुम्हारे। हम सिर्फ अपने मास्टर हीम नरेश का आदेश का पालन कर रहे हैं, और जब तक हमारी सांसें चल रही है हम कुंवर की रक्षा करेंगे। तो ये बात है। पतलू, आप ठीक तो है ना? कितनी देर चलेगी तुम्हारी सांसें? चलो देखते हैं। तो आओ,
अकेले वन टू वन लड़ो और बिना जादू के देखो क्या हाल करता हूँ तुम्हारा। तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ मोटू। सब साइड हो जाओ, कोई बीच में नहीं आएगा। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी कर लेनी चाहिए। तुम इस कुंवर विक्रम प्रताप को बचाने के लिए ये सब कर रहे हो, है ना? अगर वो ही नहीं रहेगा तो फिर किसके लिए लड़ोगे? उसकी शक्ति में उसको खत्म करने के बाद भी उसकी बॉडी से निकाल सकता हूँ। मेरी वजह से आपको ये सब झेलना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। ये जोम-जोम के कुंवर विक्रम प्रताप सिंह का वादा है। वाह, क्या प्यार है गुरु और चेले में। गुरु चेले के लिए जान देता है, चेला गुरु को बचाने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मैं उसे बचने नहीं दूंगा। बहुत परेशान किया है मुझे उसने। विक्रम प्रताप, कुंवर साहब ये लीजिए। पकड़ लो इसे, ये हमारा आदेश है, पकड़ लो।
तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि मेरे अंदर बड़े से बड़े जख्म को हील करने की पावर है, लेकिन एक पावर और भी है जो तुम्हें नहीं पता। तुम्हारे अंदर जितनी मैजिकल पावर थी जो तुमने महाराज को धोखा देके हासिल की थी, वो मैंने तुम्हारे बदन से निकाल ली है और अब इसमें है। इसे वही रखा जाएगा जहाँ हजारों सालों से हमारा परिवार इसकी रक्षा कर रहा है। अब महाराज तुमको जो सजा देना चाहे दे सकते हैं। अकुमा, हम किंग भानु प्रताप तुम्हें आजीवन कारावास की सजा देते हैं। लेकर जाओ इसे। मास्टर मोटू, आपको कुछ नहीं होगा। मास्टर मोटू, मोटू ठीक हो गया, मोटू ठीक हो गया। क्या हुआ है? अकुमा कहाँ है? अरे मोटू, उसे कुंवर विक्रम प्रताप ने कैद करवा दिया। कुंवर साहब ने? कैसे? आपके साथ का ही असर है। मोटू पतलू जी, आप दोनों ने मेरे बेटे की रक्षा की, बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर वेलकम राजा भानु प्रताप। आपने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर मोटू। पतलू, लगता है हमारा कुंवर विक्रम प्रताप अब बड़ा हो गया है, एकदम प्रिंस की तरह बात कर रहा है। आपने मेरे बेटे की जान बचाई है, मांगिए क्या मांगना है, जो मांगेंगे मिलेगा। फिलहाल बहुत सारे गर्मा गर्म समोसे खिला दो तो मजा आ जाए। तो फिर चलिए। चलिए जी, समोसे। जय हो समोसे, समोसे, समोसे। समोसे, रिश्ता जुड़ा है ऐसा दिल का, केले पे जैसे केले का छिलका, ऐसे अटूट है समझ ना आए, नल में पानी या पानी में नल का।